स्वर कोकिला लता दी के गानों की दुनिया दीवानी है। उनकी आवाज के सब मुर्शिद हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए लता मंगेशकर ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया था। लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 में एक मिडिल क्लास मराठा परिवार में हुआ था। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में जन्मी लता पंडित दीनानाथ मंगेशकर की बड़ी बेटी थी। उनके पिता रंगमंच के कलाकार और गायक थे। लता जी को पहली बार स्टेज पर गाने के लिए 25 रुपए मिले थे। इसे वो अपनी पहली कमाई मानती हैं। लता जी ने पहली बार 1942 में मराठी फिल्म किती हसाल के लिए गाना गाया था। लता के भाई हृदयनाथ मंगेशकर, बहनें उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और आशा भोसले सभी ने संगीत को ही अपने करियर के रूप में चुना है। हृदयनाथ मंगेशकर के साथ लता ने कुछ मराठी गाने भी गाए हैं, जिनमें से फिल्म कामा पुरता मामा में गाया हुआ गाना आशा नीचा पुरता कड़ी सबसे फेमस था। लता मंगेशकर ने शादी नहीं की, इसका जवाब उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया था और कहा था, घर के सभी मेंबर्स की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। इस वजह से कई बार शादी का ख्याल आता भी तो उस पर अमल नहीं कर सकती थी। बेहद कम उम्र में ही काम करने लगी थी। उनका कहना था कि बहुत ज्यादा काम मेरे पास रहता था। साल 1942 में 13 साल की छोटी उम्र में ही सिर से पिता का साया उठ गया था, इसलिए परिवार की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर आ गई थी, तो शादी का ख्याल मन से निकाल दिया। लता मंगेशकर के पिता शास्त्रीय संगीत के बहुत बड़े प्रशंसक थे, इससे शायद वो लता जी के फिल्मों में गाने के खिलाफ थे। 1942 में उनके पिता का देहांत हो गया। इसके बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति डवाडोल हो गई और लता मंगेशकर ने मराठी और हिंदी फिल्मों में छोटे छोटे रोल निभाने शुरू कर दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया हेड।